अभी हम लोग गोरखपुर के चिड़ियाघर में आए हुए हैं। यहाँ का गोरखपुर का चिड़ियाघर जो हाल ही में अभी नई नई बनी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये इसकी बाहर का, अभी गेट के बाहर का सीन है, जो कि बहुत ही अद्भुत बनाया गया है, विशाल बनाया गया है। ये पार्किंग एरिया है, बाकी इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन से और कितने जानवर हैं। अभी तक तो बहुत शानदार दिख रहा है, अंदर देखते हैं कैसा है। यहाँ सेंटर में गौतम बुद्ध की छवि बनाई गई है और यहाँ पर बैठने की भी जगह है। काफी ज्यादा भीड़ दिख रही है, जाएंगे से वापस आएंगे। काफी दूर जाके बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा है। कसम से हिल गई ना, अभी का हिल गई ना, वो आठे चल जाते कहाँ गए ना जाते। अरे बस देखा तरीका है, यहाँ पे जिब्रा की मूर्ति बनी हुई है। कितने का है जिब्रा? बाबा चमाई ये रहा हिप्पो, जो कि काफी दूर जाके बैठा हुआ है। ये भी काफी वजन का होते हैं ये सब। चलो इधर धनिया जला ना। यहाँ पे हिप्पो के साथ सेल्फी लेते हुए लोग। और यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई हुई है। लेकिन बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर ज्यादातर लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं। जितना जानवर यहाँ पे हैं शायद उतना देखने को मिल जाए तो और अच्छा है। यहाँ पे सारस है और ऊपर भी बैठे हुए हैं कुछ। चलो ये बत्तख है क्या? ये हमारे दोस्त हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ पर दो बंदर थे, एक मालूम नहीं कहाँ भाग गया, फिलहाल अभी एक ही बचा है। यहाँ पे भालू के नाम पे भालू के बच्चे को रखा गया है, कितना छोटा है अभी। हिरण की मूर्ति के साथ
फोटो लेते हुए बच्चे। नए पार्क होने के कारण ये सब जानवर भी अभी काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं, इन्हें अभी पास आने की, भीड़ के पास आने की आदत नहीं है। बिल्ली बिल्ली भी है, लेपर्ड 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 कैट बिलारी है यार, मर दे तू, लिपट लिपट कर। देखो देखो बोलता है यहाँ पर तेंदुआ, एक इस पिंजरे में है, एक अगले वाले पिंजरे में है, ये उसकी गुफा है, बने गुफा बनाया गया है रहने के लिए। भैया है ही नहीं भैया, नींद में मस्त बात को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो महंगा पड़ेगा। यहाँ पे जो भी है गायब है, टाइगर है। अरे इसके अंदर टाइगर सोया हुआ है जो कि कैमरे में नहीं आ रहा है, जबकि नग्न आंखों से दिखाई दे रहा है। पहाड़े वाड़े में कुल ढेर रहा है, कुल बिछिए खाना है, ईटा पत्थर। हाँ और देखो वो कितना खतरनाक घटैया भर उठौले बा, मार दे चक्कू चला के वहीं कट गए, बिल्कुल सिवान जैसे। ये भी अभी सोया हुआ है, थोड़ा पूरा ही लेगा, नींद में है अभी। यहाँ पे मगर है जो कि बहुत शांत स्वभाव से ये सब होते हैं। आज संडे होने की वजह से आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर भी जो मगरमच्छ है वो सो रहा है, माना जाता है टाकुर टूल में शेर की इतना होती है, मगर जब तक ये सब इतना आलसी होते कि इनकी शिकार जब तक इनके मुंह तक ना आ जाए तब तक ये झप शिकार के ऊपर झपटते नहीं है। मरले हाल में बैठल बन अपने, और बहुत ही आलसी टाइप के ये सब पड़े हुए होते हैं, लेजी लेजी की तरह। ये रहा सांप घर, इसके अंदर चल के देखते हैं कौन कौन से सांप इसमें रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सांप दिखाएंगे। ये गेहूं सांप है जो कि डाली पे बैठा हुआ है। ये अजगर है जो कि बहुत ही विशाल है, जो कि अभी फिलहाल ये बच्चा ही है। इसमें ढामन सांप रखा हुआ है जो कि वहाँ पे है। इस वाले में डोढ़िया सांप रखा गया है जिसे हम लोग हाथ से ही पकड़ लेते हैं, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा, लगता है इस लकड़ी के अंदर घुसा हुआ है।
ओ इसमें दो मुहा सांप रखा हुआ है, दो मुहा सांप पहली बार देख रहे हैं। जो कि मिट्टी में घुसा हुआ है, इस वाले में भारतीय अजगर रखे गए हैं जो कि दो हैं और दोनों दोनों साइड में बैठे हुए हैं और काफ़ी मोटे भी लग रहे हैं। ये बोगा सा लगता है इसमें से सब निकल के भाग गए हैं, सब अंदर एक भी नहीं है, बंद हो गया। एक ढाई में मटर तितली घर, देखते हैं इसके अंदर कितनी तितलियां हैं। फिलहाल अभी तितली घर में एक भी तितलियां नहीं थी। तन समझल अन बारो की हो गो ऐसे कहीं की है वो ये स्याही का पिंजरा बनाया गया है जो कि ये खान के अंदर चला गया होगा, कहीं चला गया के अंदर हो गया मुर्गा वाले यार बत्तख मैंने भी एक टोटा पाला था जो कि चार ही दिन में उड़ा दी उसे, बहुत प्यारे होते हैं। इसमें रंग बिरंगी चिड़िया हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। ये साइड में मछली घर बना हुआ है, इस एक्वेरियम में देखते हैं किस कौन सी प्रजाति की मछलियाँ होंगी। मछली घर अंडा चलते हैं, बहुत भीड़ है, शायद इसे दिखाते हैं क्लिक करके आप लोग। ये पैरेट फिश है, ये वाकई में पैरेट की तरह दिख रहा है। ये आस्कर मछली है, आस्कर ये अमेरिकन रेड टेल फिश है, लेकिन इसकी पूछ रेड होने के नाम रेड होने की वजह से नाम लिया गया है। वाओ फ्लावर हार बहुत ही प्यारा है, एकदम खूबसूरत। Thank you.
इसमें टाइगर शार्क मछली रखी गई है और इसके साथ एलुमिनियम टाइगर शार्क भी रखी हुई है। इसमें भारतीय ईल फिश और सेवरम दो मछली रखी हुई है। इसमें सिल्वर डॉलर नाइट फिश है इसमें रोजी बाग और टाइगर बाग दो मछली रखी हुई है बहुत छोटी छोटी है। इसमें सिल्वर शार्क रखी गई है इसमें सर्की पट्टा और रेड फिल पट्टा मछली रखी गई है। छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसमें गोल्ड फिश रखी गई है। ये सभी मछलियों के बच्चे हैं छोटे छोटे जबकि ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। इसमें मोनो एंजल नाम की मछली रखी गई है जो कि हिम कौन के हैं। बाकी ये सब स्कूल अब अटेंडेंस लेटर है का कौन गायब न रहे सेंट प्रोजेक्ट राम अब स्टार्ट करा मम्मी जी का शॉर्ट मिस कॉल यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं सब कुशीनगर कुशीनगर के यहाँ पर अचार या फिर ये देवड़ियाँ यहाँ पर देवड़ियाँ का जो भी शॉप लगा रहे हैं महाराज बाहर चलते हैं। रूम फोर का शूटिंग है तो मैं इसी रास्ते से घूमूंगा। कहाँ गया विकास कहाँ गया